शायद ना रुकनी नहीं चाहिए, शायद मारते रहना। नहीं मारे तो मरवानी पड़ेगी ना फिर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या मतलब? किसी और को बुलाने पड़ेगा ना कि जैसे वो पीछे वो खड़े हैं कि आज जो भाई शायरी में इरशाद मार दो, अच्छा लगेगा। आप खुद बताओ, किसी और को बुलाना, आप बोलोगे, आप भी बोलोगे आज जो भाई शायरी में इरशाद मार दो। आओ कभी तुम मुझसे मिलने, इरशाद मैं अकेला रहता हूँ। ओके, इरशाद 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 ले लो तुम मेरा, मैं तन्हा रहता हूँ। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं इरशाद। ना जाने क्या कशिश है तुम्हारे लेने के अंदाज में, इरशाद के मैं बैठा हूँ तुम्हें देने की आस में। सच तो चल चल घर चलते हैं। बोलना क्या चाहते हो तुम? एक बार इरशाद तुम्हारा, इरशाद अब तो बस तुम मेरा ले लो। क्यों जी, कुछ दाल में पारा तो नहीं है? इरशाद के अब तो बस तुम मेरा ले लो, थक गया हूँ अकेले इसलिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये जाने मन शादी करके मुझसे, मेरा गम तुम सारा ले लो, गम तुम सारा ले लो, अरे गम तुम सारा ले लो। क्या था यार ये? गम दे रहा था ना मैं शादी के बाद का सारा पहले। ये गम इतनी बाद में क्यों आया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जा। तो मैडम वो बाद में तो आएगा, क्या हो गया? हेलो नहीं मैं गम कह रहा था ना, गम की गम मेरा ले, पता नहीं कि तुम मेरा गम। इतनी देर बाद गम क्यों रिवील किया, थोड़ा पहले दे देते। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।